सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पैरट ओएस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसका एक बूटेबल पेंडर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन होने के बाद सर्च बार में सिंपली टाइप कीजिए पैरट ओएस डाउनलोड करके। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। parrotsafe.org का एक वेबसाइट है। लिंक ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको होम एडिशन चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके चल जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 GB का ये ISO फाइल है। तो सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड प्रोसेस से स्टार्ट कर लेना है। ये बहुत बड़ा फाइल साइज है, तो इसे डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक आप वेट कर लीजिए। ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक रूफूज का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड कंप्लीट करने के बाद आपको रूफूज पर डबल क्लिक करके इसे रूफूज को रन कर लेना है। रूफूज रन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का रूफूज का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके पेन ड्राइव को। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ISO फाइल सिलेक्ट करना है। तो आप जहाँ भी डाउनलोड किया रखा है वहाँ पर जाके इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग को रहने दीजिए। और यहाँ पर आप वॉल्यूम लेवल चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये आपका पेन ड्राइव का नेम होगा। जब भी आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर देगा तो ये आपका पेन ड्राइव का नेम दे देगा। तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सभी वार्निंग को ओके कर दीजिए। आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसका बैकअप ले लीजिए। ये सारे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने वाला है। कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी अगले नए वीडियो में।